प्रिय छात्र छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कार्य पत्र 73, जिसमें ये देखकर का पहला चित्र, चित्र देखकर तालिका पढ़नी है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा सारे, जिसमें आपको तालिका पढ़नी है। इस चित्र को तो कहते हैं वृत्त, और इसको कहते हैं आयत, और इसको कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे पहला है आकृति, ये जो है त्रिभुज दिखाई दे रहा आपको, जो इस त्रिभुज को अपन भरेंगे। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने त्रिभुज बने हुए, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज, वैसे तो 18 त्रिभुज आ रहे हैं। 18 त्रिभुज देखते हैं, जैसे एक ये दो हो गया, 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 हो गए, और फिर ये 9 10 11 12 13 हो गए, फिर ये 14 15 और फिर ये 16, फिर ये 17 और 18 हो गए। तो ये 18 त्रिभुज हो गए। फिर अपन देखते हैं ये वर्ग, देखते हैं वर्ग कितने हैं। तो वर्ग सिर्फ आपको वर्ग ही देखना है, तो ये वर्ग हो गए, ये वर्ग देखना अपन को। ये जैसे ये वर्ग हो गए, तो एक वर्ग, दो वर्ग और तीन हो गए। तो ये आपको यहाँ पर आपको तीन बढ़ना है, और ये आपको यहाँ पर आपको ये वृत्त देखना है। तो वृत्त कुल 28 वृत्त है, और आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से देखो सारे वृत्त दिख रहे हैं, ये वृत्त दिख रहा है, ये सारे सारे आपको गिनने और यहाँ पर आपको बढ़ने 28 हो गए। अब अपन देखते हैं आयत है, और ये आयत कुल कितने आयत है, तो वृत्त हो गए, आयत हो गए आपके 7 आयत हो गए। कितने आयत हो गए, ये 7 आयत हो गए। तो अपन आयत दिख रहे हो आपको, जो भी ये दिख रहे हैं सारे सारे आयत हो गए, ये आयत हो गए, ये आयत हो गए, और आपको कुल 7 आयत हो गए। तालिका देखकर बताइए किस आकृति की संख्या सबसे ज़्यादा, तो वृत्त की सबसे ज़्यादा है, किस आकृति की सबसे कम है, तो वृत्त की सबसे कम है। ये आपका कार्यपत्र कंप्लीट है। प्रिय छात्र छात्राओं, इस कार्यपत्र को सभी विद्यार्थियों तक सेंड अवश्य कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।